नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे चना आलू की सब्ज़ी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिया हूँ। हमने 2 मीडियम साइज़ का आलू जो हमने काट लिया हूँ, 4 हरी मिर्च, यहाँ पर हमारा 2 सूखी मिर्च, 1 तेज़पत्ता जो 2 टुकड़े में कर लिया हूँ, यहाँ पर चना है, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जीरा पाउडर, यहाँ पर देगी मिर्च 1 चम्मच है हमारा, यहाँ पर धनिया पाउडर 1 चम्मच, हमारा हल्दी पाउडर 1 चम्मच। हमने यहाँ पर 4 प्याज काट के ली हूँ मीडियम साइज़ का। चलिए पहले हम चना को उबाल लेते हैं, उसके बाद आलू को भूज लेंगे। हमारा आलू भून चुका है, तो चलिए अब हम प्याज को भून लेंगे, सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने आलू को भून के निकाल लिया हूँ, उधर हमारा चना भी उबल गया है। तो चलिए हम अब इसी फ्राई पैन में हम तेल ऐड करेंगे और सब्जी को बनाएंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक तेज पत्ता सूखी मिर्च ऐड कर दिया हूँ, प्याज को जो हम काट कर रखी हूँ भून लेंगे। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज को ज़्यादा नहीं भूंजी हूँ, बिल्कुल हल्के से भूंजी हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। हमारा भून चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और फिर उसे पानी ऐड करके अच्छे तरह से मसाला को भून लेंगे। इसे पानी ऐड की हूँ, देखिए अच्छे तरह से जब तक हमारा मसाला में तेल ना छोड़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे आलू। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे आलू जो भून के रखी हूँ। मैंने आलू को ऐड कर दिया हूँ, अब अच्छे तरह से इसको भूंज लेंगे। उसके बाद जो हरी मिर्च ली हूँ 4, उसको भी ऐड कर देंगे। 4 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसमें हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, देगी मिर्च। चलिए इन सबको अच्छे तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम चना को ऐड कर देंगे। आलू को भी अच्छे तरह से भून लिया हूँ, इसमें भी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे चना। उसको मैंने चना को ऐड कर दिया हूँ, अब अच्छे तरह से चना को भून लेंगे, उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। चना को भी अच्छे तरह से मिला लिया हूँ, भून चुका हूँ, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, फिर हमें 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और चलिए उसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, सुबह हम हल्की सी पानी ऐड करेंगे। चना को भी अच्छी तरह से भून लिया हूँ, अब इसमें हम हल्की सी पानी ऐड करेंगे। देखिए दोस्त, बिल्कुल हल्की सी पानी ऐड कर रही हूँ इसको स्लो फ्लेम में। दोस्त इसको हमने थोड़ी सी पानी ऐड कर दिया हूँ, और इसको स्लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के। देखिए दोस्त, हमारा चने की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार। मैंने 16 आँच में रख दिए थे 10 मिनट के लिए ढक के। चलिए इसको मिला लेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये चना आलू की सब्जी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।